ऐसा मंजर यकीनन आप पहली बार देख रहे होंगे जिसमें मर्द अफराद के साथ खवातीन भी हथियार उठाए हुए एक मकान पर हमला कर रहे हैं। गोलकुंडा पुलिस के सामने ये तमाशा होता रहा, किसी के हाथ में तलवार तो किसी के हाथ में चाकू, कोई लाठी थामे हुए था, लेकिन पुलिस हथियारों से लैस इन अफराद को मौके पर गिरफ्तार करने के बजाय इन्हें वहां से चले जाने को कहती रही। जब एक शख्स पर चाकू से हमला हुआ तब पुलिस ने हल्का सा ताकत का इस्तेमाल किया। ये वाकया 22 जनवरी 2014 का है जो किले गोलकुंडा के छोटा बाजार में पेश आया। बर्क न्यूज ने इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज हासिल किया है। इब्राहिम बिन मोहसिन और मोहम्मद बिन मोहसिन ने पुलिस को दी गई शिकायत में कहा है कि जिस वक्त उनके घर मर्द हजरात मौजूद नहीं थे, उस वक्त एक ही खानदान से ताल्लुक रखने वाले अफराद जो कि मौलिक हथियार से लैस थे, उनके घर और इमलाक को नुकसान पहुंचाया और एक शख्स को चाकू से वार करते हुए जख्मी कर दिया। शिकायत में मजीद ये भी कहा गया है कि हमलावरों ने जान से मारने की धमकी भी दी। गोलकुंडा पुलिस ने इस सिलसिले में सेक्शन 147, 148, 427, 452, 506, 307, 149, 25, Clause 1, Clause B और Arms Act में मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिमीन को गिरफ्तार किया।